कोई गुंडा नहीं, सब वो गुंडा नहीं है, वो बीजेपी में गुंडा नहीं है, किस पार्टी में गुंडा नहीं है, सब पार्टी में गुंडे हैं। टीएमसी में भी गुंडा है, हर जगह है, हर पार्टी में है, कैसे नहीं, हर पार्टी में गुंडे हैं। गुंडा तो टिकट मिलता, दूसरा आम आदमी साधारण भी टिकट मिल रखा। भाजपा भी तो वही कर रही है। नहीं, भाजपा तो वही, तो हम लोग भाई भाजपा को ही लाएंगे, और ऐसा नहीं, भाजपा तो जैसे मोदी जी ने सबके साथ सबका विकास करना रहा है, जो सबको मिलता है, जो भी स्कीम होता है सबको मिलता है, बराबर हिस्सा मिलता है, हिंदू मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, ऐसा तो कोई भेदभाव नहीं है। क्या लग रहा है माहौल? माहौल कहा देख रहे, देख रहे नहीं आप, हम माहौल कहा बताए आपको? बीजेपी कह रही है कि टीएमसी ने कुछ काम ही नहीं किया, केंद्र सरकार जो योजना लेके आ रही है बंगाल की जनता को दे ही नहीं रही। कहने से और करने में बहुत अंतर है। अगर हम कह दिए, अगर हो गया तो कहना और करने में फर्क बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। नमस्कार, मूव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। बंगाल की बात जानने के लिए इस वक्त हम लोग कोलकाता में मौजूद हैं, और कोलकाता में एक चाय की दुकान पर जब पहुंचा हूं तो यहां पे कुछ लोग पॉलिटिकल बातचीत भी कर रहे थे चाय पर चुस्की के साथ। इन लोगों से जानेंगे कि बंगाल में क्या माहौल है, बंगाल की बात क्या है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो नरेंद्र तिवारी है। बंगाल के वोटर हैं ना आप? जी जी। वैसे रहने वाले कहाँ के हैं आप? यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले हैं। क्या लग रहा माहौल इस बार बंगाल में? खेला होवे? खेला होवे तो होगा ही, लेकिन अभी तो सुनते परिवर्तन की लहर है, देखिए क्या होता है। अभी ये नहीं कह सकते हैं, यूपी की तरह दिल्ली में बंगाल में भी परिवर्तन होगा लगता है। सही, लोगों का जैसा माहौल है ऐसा लग रहा है। ममता दीदी काम से आप खुश हैं? ममता दी अपने तो बहुत ईमानदार अच्छिया नेता हैं, लेकिन उनके जो नेता और लोग हैं जो, वो सही नहीं है, काम सही नहीं हो रहा है, उनके सहयोगी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं जी, खुद ईमानदार है लेकिन उनके सहयोगी ईमानदार नहीं। जी जी, जिसके कारण वो हार भी सकती है। ये अब ये नहीं हम कह सकते हैं भाई, हम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो हार जाएंगे या जीत जाएंगे, लेकिन जैसा लहर दिखाई दे रहा है, लोगों का जैसा धारणा है, ये बात। दो अधिकारी जैसे नेताओं का साथ छोड़ना ममता बनर्जी के लिए कमजोरी? वो तो बहुत बड़ी कमजोरी हुआ, अब उसके बारे में तो बोलना ठीक नहीं होगा। आप यूपी के हैं, कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि यूपी और बिहार के गुंडों को लेकर भाजपा आ रही है कोलकाता में, तो मतलब गुंडा लेकर आ रही है भाजपा, सही मानेंगे? नहीं, ये सही नहीं, इसको हम नहीं सही मानेंगे। गुंडा लेकर के आ रही है सरकार, इसको हम नहीं मानेंगे। बिहार यूपी वाले इस पर ममता का मतलब, अब बिहार यूपी के लोग सब गुंडे ही हो गए, ये कोई नहीं। देश भारत वर्ष है, इसमें कहीं भी कोई जाया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि यूपी से बिहार से गुंडे आ रहे हैं, ये इसको हम नहीं मानेंगे, ये गलत चीज है। क्या नाम हुआ? राजहंस सिंह। क्या लग रहा है माहौल इस बार बंगाल का? माहौल तो सही चल रहा है। सही, टीएमसी या बीजेपी? टीएमसी बीजेपी नहीं, क्यों? एक्चुअली क्या है, बीजेपी का यहाँ कोई फंक्शन ही नहीं है। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जो है आज के डेट में जो भारतवर्ष का जो जीडीपी है इतना नीचे चला गया है कि बांग्लादेश का बराबर में, इतना छोटा बांग्लादेश जो है आज उसके भी नीचे हम लोग चले आए, इससे दुर्भाग्य की बात क्या है, इसके अलावा तो कुछ बोलना ही नहीं है। कह रही है कि टीएमसी ने कुछ काम ही नहीं किया, केंद्र सरकार जो योजना लेके आ रही है बंगाल की जनता को दे ही नहीं रही। कहने से और करने में बहुत अंतर है। अगर हम कह दिए, अगर हो गया तो कहना और करने में फर्क बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। आप लोग ममता दीदी से खुश हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या नाम हुआ अंकल? अखबार पढ़ रहे हैं, क्या खबर है आपके? जितना मुर्दा है लो उतना नेता है लोग, हमारा सीधा सा नाम है। जितना मुर्दा है उतना नेता है? हाँ, नेता में मुर्दा में कोई फर्क नहीं है। क्यों? देखिए अभी इलेक्शन आया, आपको हाथ जुड़ेगा। हाँ, उनका चला चमंडा लोग है, वो लोग बोलेगा ये दो वो दो, मनी टैक्स, सीधा सीधी बात।
मनी टैक्स वसूल हाँ बस। चुनाव के बाद आप लोगों को याद नहीं करता है? कोई नहीं पूछेगा नहीं आपको, कोई भी नेता हो आप जाइएगा ना, कहाँ रहते हो भाई, कौन एरिया में रहते हो, फलना सिंह को चिन्हो, तब चिलना सिंह को चिन्हो, भागते नहीं बहन का नेता पेता लोग। तो इस पर क्या लग रहा है, दीदी या मोदी? दोनों ही अणुआ साढ़ है, पहले बात समझ नहीं, दोनों ही अणुआ साढ़ है। आप बताइए, ममता दीदी ने पिछले दिनों आप ही लोगों के लिए कहा था कि यूपी और बिहार के गुंडों को लेकर आ रही है भाजपा। देखिए खुद गुंडा है लोग, खुद गुंडा को गुंडा बोलेगा, बात सीधा सीधा। दीदी भी गुंडा है? हाँ, कोई भी दल सही नहीं है, सब गुंडा है। आपके लिए बेहतर कौन? कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। बंगाल में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? जो जीतेगा वो अपना धंधा के लिए, दूसरा पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक के लिए नहीं? ममता दीदी ने कुछ काम नहीं किया आप लोगों के लिए कोलकाता में, कुछ काम नहीं किया कलकत्ता? देखिए बॉबी हकीम को बोलेंगे कुछ काम किया है, बॉबी हकीम कुछ काम किया है, उसके बाद और कोई एरिया में देखिए सब सफा सेट है। हाँ, यहाँ पर दो चीज बना है और छोकरी लोग का ठेकेदारी। हाँ, दिख रहा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा सर नाम अरविंद चौबे है। कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं उत्तर प्रदेश बलिया का रहने वाला हूँ। और मेरा कर्म निवार धर्म से अग्लानी बहुत भार तस्मयी, मेरा काम है सेवा करना। मैं अपना महाकालेश्वर सेवा संस्थान से हूँ और मेरा काम है सेवा करना, और कोई पॉलिटिशियन तो बात से हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना करते करते आपको इतना तो नॉलेज हो गया है कि बंगाल में माहौल क्या है, क्या लग रहा है इस बार? अब लग रहा है कि देखिए प्रेम चाहत जो है चाय की है, और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों में प्रेम रहे और अच्छा बुरा का ध्यान रखते हुए प्रत्येक आदमी अपने कर्म को करें। और अच्छा यही है कि आपको भी समझ में आ रहा है कि हमको क्या चाहिए, हमारा विकास कैसे हो, उसी हिसाब से अपना काम करिए और हम भी उसी में जुड़े हुए हैं। अधिकार तो अपना वोट देने का है, लेकिन अच्छा बुरा देख करके काम करिए, काम बिगड़ने ना पाए। क्योंकि लोग कहते हैं कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, तो लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, यानी चेहरा कुछ और है और वो लोग कुछ और हैं। और इसी बात को हमको भी समझाना है आपको, और आपको हमको भी समझाना है। इसी बात तब को लेकर के मैं अपना शब्दों को विराम करता हूँ। तो बलिया के रहने वाले हैं, यूपी में योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार, क्या बंगाल में भी चाह रहे हैं आप लोग? अब देखिए अच्छे चीज को खाने के लिए कौन नहीं कोशिश करता है, अच्छी जगह पर पहुंचने के लिए कौन नहीं कोशिश करता है, बस उसी भावना में मेरी भावना छिपी हुई है। आप समझ जाइए बात को, समझदार की है। वैसे तो मैं जिनका खाऊंगा मैं उनका गाऊंगा। जय महाकालेश्वर मंदिर। क्या नाम हुआ? पप्पू सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार पटना। अच्छा, पटना के रहने वाले हैं। ममता दीदी तो कह रही हैं कि यूपी और बिहार के गुंडे आ रहे हैं कलकत्ता में, आप लोग गुंडे हैं? सबसे बड़ा गुंडी तो वो है, सबसे बड़ा गुंडी तो वो है जो कि मतलब बंगाल को खा गया है। अच्छा, ममता दीदी बंगाल को खा ली? हाँ। कैसे बताइए? क्या दिया है, क्या दिया है ये बताइए, क्या दिया है? ममता दीदी दादा का दिया है बंगाल में? कुछ नहीं है, सब लूट मार है खाली, यहाँ पर ही खाली सत्ता का लेके अपना गद्दी को लेके सब बैठा हुआ है, और कुछ नहीं है। तो आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वैसा नेता नहीं है, तो यहाँ वैसा नेता नहीं है, सब तो छोटा छोटा लोग बैठा हुआ है यहाँ पर। तो परिवर्तन भी चाहते हैं, नेता भी आपको दिख नहीं रहा बढ़िया जिसको आप चुने? हाँ, जिसको हम चुने मतलब वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी कह रही है कि परिवर्तन आएगा इस बार बंगाल में, सोनार बंगला बनाएंगे। चांस तो मिलना चाहिए, ऐसा बात है कि नहीं, उनको भी एक बार चांस देना चाहिए बंगाल में।
हाँ क्या रुपए से नहीं, क्या लग रहा है माहौल? माहौल कहाँ देख रहे हैं, देख रहे नहीं आप? हम माहौल कहाँ बताए आपको? मैं तो देखा नहीं इसलिए। अरे हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा देखिए उधर पीछे, बिना पढ़ा लिखे लोग ज्यादा बताते हैं, आप ज्यादा बताइए। दिन भर में कितने 100 आदमी से मिलते होंगे? हाँ जी सर। पता चली गया होगा ना आपको कि बंगाल की बात क्या है इस बार, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे लोग? बीजेपी लहर तो उन्हीं का है, बीजेपी का। जी सर, टीएमसी का नहीं, इधर से तो हम जीत जाएंगे। बिहार और यूपी के लोग हैं तो इन लोगों का अपना राय है। क्या नाम हुआ सर? मेरा यूपी के। हाँ, ममता दीदी कह रही है कि बंगाल में बिहार और यूपी के गुंडे आ रहे हैं। कहीं नहीं आ रहे हैं, कहाँ गुंडे आ रहे हैं? आप लोगों तो भाजपा का तो पूरा सेंट्रल आ गया, उतर गया है। कौन नेता ऐसा, कौन विधायक बाकी जो सांसद जो यहाँ नहीं आया है? सबसे ज्यादा तो ममता दीदी, मतलब बांग्लादेश और हाँ वहाँ, मतलब वही है। सब अपना अपना रोटी, राजनीति रोटी सेक रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने बिहार और यूपी में जिनको चुना, जिनको वोट दिया, उन लोगों गुंडा कह रही है ममता दीदी? नहीं नहीं, कोई गुंडा नहीं, सब वो गुंडा नहीं है, वो बीजेपी में गुंडा नहीं है, किस पार्टी में गुंडा नहीं है, सब पार्टी में गुंडे हैं। टीएमसी में भी गुंडा है? हर जगह है, हर पार्टी में है। कैसे नहीं, हर पार्टी में गुंडे हैं। गुंडा तो टिकट मिलता, दूसरा आम आदमी साधारण भी टिकट मिलेगा क्या? क्या लग रहा है माहौल, कौन जीतेगा फिर? कौन जीतेगा फिर यहाँ से? देखिए आप, दोनों आदमी 50-50 का चांस है। आपके लिए बेहतर कौन? आपके लिए बेहतर कौन? मेरे लिए बेहतर बेहतर ममता है। आपके लिए ममता? हाँ। मोदी जी नहीं? नहीं, मोदी कम से आप खुश नहीं है? नहीं, खुश कहने मतलब खुश कहने है, लेकिन महंगाई इतना बढ़ जा रहा है, महंगाई काबू नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें? परेशान, सिलेंडर 800-900 रुपया हो गया 400 रुपये से, उसको कम करें। चाय पर बातचीत करें, क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो ठीक ही है, हम तो यहाँ पे नहीं रहते, हम लोग तो काम करने आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग श्रीरामपुर से आए हैं। श्रीरामपुर है, बगल में है। बंगाल के ही वासी है ना? हाँ, बंगाल में ही वोट डालते होंगे ना? हाँ, बंगाल की बात क्या है इस बार, क्या ठीक है, सोचकर वोट डालिएगा आप लोग? जो है उसी को, जो है उसी को दे दे। हाँ हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार राय। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के हैं। बिहार के रहने वाले? यहाँ कोलकाता में क्या करते हैं आप? कोलकाता में बिजनेस व्यवसाय है। बिजनेस है। क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल ये तो भगवान ही जाने, हम लोग क्या आइडिया लगाएंगे। दीदी बोल रही है कि हम जीत रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आइडिया लगाएंगे आप? आपके लिए बेहतर काम कौन करेगा? मेरे लिए तो जो यहाँ है वही करेगा, वही करेगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं तो 15 सालों से ममता बनर्जी सरकार में है, लेकिन काम कुछ किया ही नहीं। नहीं ठीक है, वो कहाँ पे क्या सरकार बने नहीं बने, इस खिदिरपुर के लिए बॉबी हकीम से बेहतर और कोई नहीं है, और ये 110% उनका सीट है और वो भारी मत से निकलेंगे बॉबी हकीम। ये मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। यहाँ से जो हम लोग का जो कैंडिडेट हैं वो निकलेंगे, ये सही है। नहीं, पिछले दिनों ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि यूपी और बिहार के गुंडों को लेकर भाजपा आ रही है, तो आपने यूपी और बिहार में जिन नेताओं को जिताया वोट डालकर, क्या वो गुंडे हैं? नहीं नहीं, दीदी का सब कुछ मेरिट है, यही एक ठो थोड़ा सा डीमेरिट बोला जाएगा कि कुछ भी बोल देती है गुस्सा में, सबसे बड़ा डीमेरिट वही है, और कोई डीमेरिट नहीं है, बोल देती है, बोल देती है, क्या करना है। एज हो गई, लोग ये भी कह रहे हैं उनका पैर टूटा हुआ नहीं है, बहाना कर रही है। नहीं गए हैं ना हम मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, और ना हम किसी पार्टी से हैं, ना हम देखने गए हैं, लेकिन एक आइडिया ही आदमी लगा सकता है कि जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ ऐसा होना संभव नहीं है, हो ही सकता है, चोट लग सकता है, एक पिलर उलर में शायद चोट लगा है दीदी को, और इसके बारे में तो हम पूछ रहे हैं। अकबर कहाँ? बंगाल के ही है ना रहने वाले? क्या लग रहा है माहौल? हम एक्चुअली बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल में काम करते हैं। बिहार के रहने वाले बंगाल में काम करते हैं, खुश हैं यहाँ पर काम करके? कहा बोला जाएगा सब। बिहार में रोजगार नहीं मिला इसीलिए आए हुए हैं? ना ना, रोजगार सब जगह में है, कम बेसी सब जगह चलता है, ऐसा कोई बात नहीं। अभी इसको बारे में हम लोग को मालूम नहीं है, दारू बंद है इसलिए आप लोग आते ज्यादा। देख सकते हैं कुछ लोग बिहार से इसलिए बाहर जाते हैं ताकि वहाँ पे दारू बंद है, तो यहाँ पे बंगाल में दारू चल रही है इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं। क्या अभियान जी? मंत्री भी चाय पे बात करते हैं जी। कोलकाता के क्या है चाय की बात?
चाय की क्या बात होगी, चाय तो हमेशा एक्टिवेट लोगों को एनर्जी देती है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लोग चाय खोजते हैं और क्या। और पॉलिटिकल माहौल क्या है, पॉलिटिकल माहौल इस बार हो रहा है कि बंगाल में इस मुद्दे पर चुनाव, देखिए जो भी परिवर्तन हो ठीक है, लेकिन हम लोग सपोर्ट करते हैं ममता बनर्जी को और करेंगे ठीक है। आगामी इलेक्शन में भी हम लोग उनको देखना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर बंगाल में। और हमारे यहाँ से जो MLA का सीट है बॉबी हकीम, फिराद हकीम, जिन्होंने हम लोग को दिल में रहते हैं, वो मैं उनको वोट ज़रूर करूँगा और मैं चाहूँगा कि वो भारी मतों से विजयी बने। मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि ममता दीदी ने कुछ काम ही नहीं किया बंगाल में, इस बार परिवर्तन चाहती है जनता। कहने से क्या होता है, कहने से तो बहुत आदमी करते हैं। उन्होंने बहुत जगह कहा कि राजस्थान में मैं परिवर्तन लाऊंगा, झारखंड में लाऊंगा, तो वहां नहीं आई उनका परिवर्तन। हम लोग वोट करेंगे और ममता बनर्जी को फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। परिवर्तन के लिए बंगाल में ममता बनर्जी हमारा बेस्ट नायिका है। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल परिवर्तन हो रहा है, श्योर 100%। दीदी सोच चुके हैं आप लोग? हाँ नहीं, दीदी कुछ नहीं की आज तक के, हिंदी स्पीकिंग एरिया है, लेकिन आज तक हम लोग का उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी बनाते हुए अपने एरिया में वो भी एकीम, लेकिन ये हम लोग का हिंदी यूनिवर्सिटी का हिंदी कॉलेज भी कर देते तो यहाँ की जो लड़की हैं हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनका बहुत ही अच्छा होता, तो यहाँ का लड़की लोग कर रही है ममता दीदी। बिल्कुल 100% भेदभाव का मतलब ये कि देखिए मौलाना लोग को नमाज पढ़ाने वाले को भी पेमेंट करते हैं, हम लोग का यहाँ शिव एशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर है, यहाँ का पुजारी को एक पैसा नहीं मिलता है, तो भेदभाव ने क्या है, उनको ठीक है इनको भी देते उनको भी देते, ये तो 100%। देखिए हम लोग का इस क्षेत्र में अभी तक ये 10 साल तृणमूल का भी हो गया, लेकिन बॉबी हकीम जी मंत्री रहे, मेयर रहे, सब कुछ रहे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हम लोग का दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है, यहाँ के लोगों को दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है, तो भेदभाव है, तो भाव 100% है। मतलब ज़्यादा मुस्लिम वोटों की तरफ ममता दीदी ज़्यादा झुकाव रहता है? तुष्टिकरण, बिल्कुल नीति तुष्टिकरण का है, हाँ नौकरी हो जो भी हो सब तुष्टिकरण, सभी में तुष्टिकरण। भाजपा भी तो वही कर रही है? नहीं भाजपा तो वे तो हम लोग भाई भाजपा को ही लाएंगे, और ऐसा नहीं भाजपा तो जैसे मोदी जी ने सबके साथ सबका विकास का नारा है, जो सबको मिलता है, जो भी स्कीम होता है सबको मिलता है, बराबर हिस्सा मिलता है, हिंदू मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, ऐसा तो कोई भेदभाव नहीं है। मोदी जी के काम से खुश हैं? हाँ मोदी जी का काम से 100 इसलिए खुश हम लोग हैं कि यदि ये COVID-19 हुआ पिछले साल, उस समय चाइना ये बीमारी को उत्पन्न किया, फिर इंडिया पर हिंदुस्तान पर वे चढ़ाई भी कर दिया, हम लोग बेबाक हो गए थे कि अब क्या होगा हिंदुस्तान का, लेकिन उन्होंने ताल ठोककर चाइना को भगाए, इसीलिए हम लोग खुश हैं उनसे, बहुत खुश हैं कि राष्ट्रहित में से भी काम करते हैं, खुश हाँ बहुत बहुत 100%। थैंक यू। सस्ता पड़ा कि महंगा? सस्ता। कितने में पड़ा ये प्लेट आपको ब्रेकफास्ट? कितना लेगा, अभी तो हम पहला बार आए हैं। पहली बार आप आए हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के, मतदान करते हैं क्या? क्या लग रहा है, तो क्या सोच कर करिएगा इस बार? दीदी को देना है। दीदी को देना है, क्यों? दीदी ठीक किया भाई, हम लोग को सब कुछ बनाया है, आप लोगों के लिए काम किया दीदी ने, दीदी काम से आप लोग खुश हैं? तो देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे दीदी काम से खुश भी हैं, और यहाँ पे कुछ लोग और हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम? कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी से। यूपी, क्या लग रहा है यूपी बिहार वाले क्या सोच रहे हैं इस बार बंगाल में? यूपी बिहार वाले सोच रहे हैं TMC आए। TMC आए, योगी जी के काम से आप लोग खुश नहीं है यूपी में? यूपी में खुश है ना, बंगाल में नहीं खुश है ना? तो बंगाल में खुश नहीं है भाजपा से? नहीं, यूपी में खुश हैं आप? हाँ। यहाँ पे आप दीदी को लाएंगे? हाँ। दीदी काम से खुश हैं आप? हाँ खुश हैं हम, लेकिन बीजेपी कह रही कुछ काम ही नहीं किया दीदी ने आपको? क्या क्या काम बनाएंगे? सुनार बंगला तो बन ही रहा है। बन ही रहा है? हाँ, जो पार्टी बनाएगा वही बनाएगा। तो साफ तौर से इन लोगों की बात आपने सुना बंगाल की बात में कि किस तरह से बंगाल में माहौल है, और आने वाले 2 मई को पता चल पाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन राहुल के साथ केशव कुमार, मुंबई मीडिया कोलकाता। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।